देवड़ा जिले के शाहपुरा उपखंड क्षेत्र में राज्य सरकार के निर्देश पर कोविड-19 के विरुद्ध जन आंदोलन कार्यक्रम का शुभारंभ रविवार को उपखंड कार्यालय में किया गया। पहले दिन बाइक रैली निकालकर शहर में जागरूकता का संदेश दिया गया। बाइक रैली को उपखंड अधिकारी डॉक्टर शिल्पा सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पूर्व रैली में शामिल सभी बाइकर्स व कोरोना वॉरियर्स को जागरूकता फैलाने के लिए काम करने की शपथ दिलाई गई। शाहपुरा थाना प्रभारी मनोज कुमार की अगुवाई में बाइक रैली शहर के प्रमुख बाजार चौराहों से गुजरती हुई उपखंड अधिकारी कार्यालय पर संपन्न हुई। उपखंड अधिकारी डॉक्टर शिल्पा सिंह ने बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पूर्व उन्होंने बाइकर्स व कोरोना वॉरियर्स को जागरूकता फैलाने के लिए काम करने की शपथ दिलाई। इस मौके पर थाना प्रभारी मनोज कुमार, CBO विष्णुदत्त शर्मा, नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी जितेंद्र कुमार, अतिरिक्त विकास अधिकारी महबूब, परिवहन निरीक्षक चंचल मौजूद रहे। इस मौके पर उपखंड अधिकारी डॉक्टर शिल्पा सिंह ने कहा कि राज्य सरकार के निर्देश पर आज से कोविड-19 के विरुद्ध जन आंदोलन प्रारंभ किया गया है। इसके तहत कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए आमजन में जागरूकता, सजगता बरतने, मेडिकल प्रोटोकॉल यथा मास्क वियरिंग, निरंतर साबुन से हाथ धोने, सैनिटाइजर का उपयोग करने, भीड़भाड़ वाले स्थान पर जाने से बचने, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने के लिए 4 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक विशेष अभियान चलेगा। उपखंड अधिकारी IAS डॉक्टर शिल्पा सिंह ने जोर देकर कहा कि शाहपुरा का प्रत्येक व्यक्ति प्रयास करेगा तो कोरोना जागरूकता जन आंदोलन कार्यक्रम न केवल सफल होगा वरन कोरोना की चेन भी टूटेगी। प्रत्येक व्यक्ति को मास्क लगाना अनिवार्य है। कार्यालयों में भी कोई कर्मचारी बिना मास्क कार्य नहीं करेगा। शहर में कोई भी दुकानदार अथवा ग्राहक या सामान्य व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर बिना मास्क के नहीं दिखेगा। राज्य सरकार के डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग कोरोना की रोकथाम के लिए जन आंदोलन की शुरुआत आज यहां से उपखंड कार्यालय से की गई। ये आंदोलन पूरे 1 महीने चलेगा। इसके कंटेक्स्ट में आज हमने बाइक रैली की शुरुआत की है, जिसमें कि बाइक्स पे लोग कोरोना की रोकथाम का मैसेज लेके तख्तियों पर पूरे शहर के इम्पोर्टेंट जगह पे जाएंगे और वहाँ पे लोगों को इस चीज़ को स्प्रेड करेंगे। आंदोलन पूरे महीने चलेगा, जिसमें हमने विभिन्न एक्टिविटीज़ को हमने इंक्लूड किया है, जैसे कि कल एक ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता का प्रारंभ किया जाएगा। पूरे हफ्ते में जगह जगह पोस्टर्स चिपकाए जाएंगे नो मास्क नो एंट्री के। इस पूरे आंदोलन के तहत हमारा एम यही रहेगा कि हम कोरोना की रोकथाम कर सकें और लोगों को ये अपना मैसेज कम्युनिकेट कर सकें कि कोरोना से बचाव कितना इम्पोर्टेंट है और वो क्या क्या इसके लिए मेजर्स ले सकते हैं। बिजोलिया में महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति अध्यक्ष SDM महेश चंद्र मान की अध्यक्षता में उपखंड क्षेत्र में प्रशासन के द्वारा कोरोना के खिलाफ शुरू किए गए जन आंदोलन के पहले दिन वाहन रैली निकाली गई। रैली का शुभारंभ तहसीलदार लालाराम यादव, सरपंच पूजा चंद्रवाल ने किया। रैली शकरगढ़ चौराहे से प्रारंभ होते हुए बालाजी चौराहा, रोडवेज बस स्टैंड, तेजाजी का चौक, सब्जी मंडी होते हुए पंचायत चौक पहुंची। रैली के माध्यम से आमजन को कोरोना संक्रमण से बचने वे सावधानी बरतने का संदेश दिया गया। रैली में महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के सह संयोजक रामफुल धाकड़, बिजोलिया जोन समन्वय प्रधानाचार्य पायल लुनीवाल, पंचायत सहायक सुलेश कुमार चित्तौड़ा, ग्राम संयोजक बाबूलाल नायक, सह संयोजक मुकेश खटीक, समाज सेवी शिव चंद्रवाल, हेड कांस्टेबल राजेश मीणा, वार्ड पंच और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। वहीं लक्ष्मी खेड़ा और आरोली ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर भी वाहन रैलियां निकाली गयी।